हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है खुरम और मेरा नाम है वजाहत। तो यार, भगवान शिव जी और माता जी साहब गुफा में जा चुके हैं। ऊपर से भाई इंदिरा देव जी कह रहे हैं उनके प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी यानी कि हम सिक्योरिटी देंगे उनको, क्योंकि अगर तरकस और लोगों को पता लगे तो काम खराब। और ये काम उसने अग्नि देवता को सौंपा है, जो वो खुद डर के मतलब एग्जैक्टली ऐसा ही है। लेकिन अब आगे देखते होता है क्या, तो कानन करते स्टार्ट। स्वामी, हम किस प्रकार से प्रकृति का रूप हैं और आप पुरुष के? और यदि ये सत्य है तो अनेकों वर्षों अलग रहने के पश्चात भी हम साथ कैसे हैं? कोई संवाद ना होने के पश्चात भी कैसे प्रेम की अविरल धारा बहती है? कैसे हम इस सृष्टि पे प्रेम के उद्गम बने रहे हैं? तुम प्रकृति हो, क्योंकि इस सृष्टि में प्रत्येक स्त्री तत्व तुम्हारा ही अंश भाग है और इस संसार में पुरुष तत्व का जन्म मुझसे ही हुआ है। एक साथ नहीं रहने के पश्चात हमारे तत्व सृजनात्मक भाव में इस संसार में विविध रूप में उपस्थित है। उदाहरण स्वरूप, प्रेम पिपासा की ललक और पक्षियों का कलरव हमारे तत्वों का प्रत्यक्ष होना ही तो है। उनकी सामूहिक उड़ान की तृप्ति का कारण हमारे तत्व ही तो है। ये दो वो जो तुम्हारे तत्व पुष्प में निहित है और मेरे तत्व परात के कणों, इनके मिलन से जो सुगंध उत्पन्न होती उसका आधार प्रेम ही तो है। प्राकृतिक रूप में तुम धरती हो और मैं बीज। इनके समागम से धरती के गर्भ से जो अंकुर उत्पन्न होता है वो हमारा प्रेम ही तो है। ये देखना यार, इसका तो ये अर्थ हुआ कि हम सदा एक दूसरे के पूरक रहे हैं। किसी ना किसी रूप में हमारा प्रेम इस सृष्टि पर विद्यमान रहा है। हाँ पर यही पुरुष और प्रकृति का मिलन प्रेम की पराकाष्ठा है। पुत्रो, शिव पुत्र का जन्म एक ऊर्जा के रूप में हो, इसको पता नहीं है। उस ऊर्जा को उसी क्षण खंडित करना, तो भगवान शिव जी ने बोला ना। लेकिन यदि यह ऊर्जा सृष्टि के संपर्क में आ गई तो फिर एक अलौकिक शक्ति के रूप में परिवर्तित हो जाए। और इसको लगता है कि हम ये इस ऊर्जा को दिमाग खराब है, हम आसुरी शक्ति में परिवर्तित करें। और आसुरी शक्ति में परिवर्तित करने के पश्चात यह ऊर्जा हमारे त्रिपुर को सौर मंडल में स्थापित करने में भाई बोलने से हमारे सहायक बने। शिव जी सब सुन रहे हैं। जाओ पुत्रो, यार ये हमेशा मार ही खाता है। शीघ्र अमरनाथ के लिए प्रस्थान करो। अब तो वो कर रहे हैं और सफल होकर लौट। मतलब बड़ा नहीं पिताजी, हमसे दुष्कर्म नहीं होगा। ये चीज चक्री को भेजो। पिताजी, आपकी सुरक्षा हेतु त्रिपुर के निर्माण के लिए जो भी सहायता हमसे हो सकेगी हम करेंगे। मतलब अधर्म पे नहीं जाएंगे, परंतु शिव पुत्र की हत्या हमसे ना होगी। वो तो ये बात, वो तो अधर्म में से अधर्म है।
क्यों आजाद? देखिए बारे में सोचना भी अच्छा। महादेव हमारे आराध्य हैं और ये अधर्म का कार्य करके गुड हम महादेव के संरक्षण से वंचित नहीं होना चाहते। सबसे बड़ी बात वो है, चलो आपका साथ दे रहा है जहां धर्म होगा। चक्री को भेजो। हां चक्री को, चक्री क्या कर लेगा? ये चीज को भी चलना चाहिए। ये चीज अबे नहीं जाता, डरता ही क्यों उसके? तो जब तक भगवान शिव जी का बेटा नहीं तो जब तक भी मर नहीं सकता। अरे इसको एक दफा याद रखना चाहता। विश्वासघाती बच्चों, गुरु जी ने बोला था जब भगवान शिव जी पंगा लिया ना, करते रहो महादेव की आराधना, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। अब मैं अपना प्रत्येक कार्य स्वयं करूं। अच्छा तो चलो फिर करो। हाँ करो करो मेरे को, अब आगे क्या तो मैं करूंगा। ओहो हैं, ये लगता है ऊर्जा स्टार्ट हो करने लगा है। भगवान शिव जी ने कहा था ना कि ऐसे वो उनका वो शराब भी नहीं आएगा। आप आएगा ना तरकस और मजा, आप तेरी तो मौत करीब है, ये तो तेरे तेरी मौत आ रही है। तरकस कह रहा मैं खुद कर रहा हूँ, खुद कर बेटों ने तुम्हें खुद आएगा ही मौत। ये अबे कहीं ये अग्नि देवता का सुर के नवोदय तो कभी तो कभी डर रहा है, ये भी हो सकता है।
क्योंकि तर्कसुर आता है तो हाँ तर्कसुर ने बोला था ना मैं खुद जाऊंगा मुझे लगता ही गर्जन कैसी तर्कसुर इसका मतलब है तर्कसुर भी आ रहा है भाई तर्कसुर मर नहीं सकता इसलिए बेचारे ये डरते हैं तो जय ये वो मर नहीं सकता इनके पास इलाज नहीं है ना उसका सारा मसला ये वो भगवान शिव जी का बेटा है वो सिर्फ अरे इलाज तो भगवान शिव जी के भी पास है लेकिन नियम नियम होते हैं ना तो वही ना उनको एक तरह एक दफा वो पूरा बांध के पूरे प्रमाण में घुमाते वही ना कहता है मैं मार नहीं सकता तो क्या हुआ तेरे लिए सजा है तू ज्यादा उछल रहा है अभी भी वहाँ उसके बेटों ने मना कर दिया तो कहता है मैं स्वयं ये कार्य खुद करूं चलो करो भाई बड़े बनो ना क्यों नहीं बन रहे जब बच्चों पे क्यों जोर डाल रहे हाँ, तुम्हें वरदान मिला हुआ है तो खुद करो ना जो कर सकते हो खाड़ सकते हो खाड़ो हाँ। भगवान शिव जी के लेकिन बेटे के होने से हाँ, पहले। यार वो किस तरह से वो आई थिंक ऊर्जाएं निकली है आपस में मिली है और वो फिर आई थिंक वो आत्माएं मन की आत्माएं होती है ना जो मिलती है जाहिर बात है ताकि उसमें शराब भी नहीं आएगा क्योंकि उसका भी रखना वरना भगवान शिव जी और माता पार्वती जी का लेकिन जाहिर बात है एक इज्जत और एक रिस्पेक्ट बिल्कुल और जब ये सब हो तो उसके पीछे जो म्यूजिक बज रहा था और जो जिस तरह नहीं होता फुल ऑन फुल यार मजा आ गया वो जो निकल के दोनों डांस कर रहे थे अब यार वो उसका क्या कहते हैं अब देखते हैं आगे और क्या होता है क्योंकि तर्कसुर तो आ चुका है तो आ चुका है वहां से और मतलब सारे देवों को मतलब काफी यहाँ पर इस टाइम डर लग चुका है कि ये क्या हो यार उधर से भगवान शिव जी के बेटे का भी ऊर्जा वो स्टार्ट हो गई है ना और इधर से तर्कसुर आ गया बिल्कुल अब आगे देखते हैं आगे होता है क्या तो यार बात